शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2 गुना कटऑफ है वो जारी हो चुकी है, और उसके बाद लेवल 1 की जो डीवी की प्रोसेसिंग है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन से कैसे सेट हैं, कैसे चेकलिस्ट है, हालांकि मैंने जो पहले के वीडियोज में कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के लगातार मुझे कंफ्यूजन देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो डबल डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कंफ्यूजन है, उसके बाद बाहरी स्टेट वाले जो हैं डिग्रीधारी हैं उनके लिए जो कंफ्यूजन है, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना है, फोटोकॉपियां लगानी है, कहां पर क्या क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा, कौन सी चीजें डुप्लीकेट लगानी है, कौन सी फोटोकॉपी लगानी है, बहुत सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन में कंप्लीटली इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो वहां मुश्किल से 10 से 15 मिनट की प्रोसेसिंग रहेगी और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। और ऑल ओवर जो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही है और क्या क्या नई बातें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डीवी शुरू हुई उसके बाद से लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, तो वो सारे जो कंफ्यूजन इश्यू हैं, जो नई अपडेट है, वो इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये वीडियो जो मैं कंप्लीटली जो लेवल 1 की डीवी चल रही है उस बारे में बता रहा हूं, लेकिन साथ ही लेवल 2 वालों के लिए भी डीवी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी के लिए सारी इंफॉर्मेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सारी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम डीवी की एक कॉमन प्रोसेसिंग की बात करें, तो सबसे पहले आपका जो डीवी का जो स्लॉट अलॉटमेंट हुआ है शाला दर्पण रजिस्ट्रेशन की, आप जैसे ही आईडी लॉगिन करते हैं वहां पर आपको जो है एप्लीकेशन जो स्लॉट स्टेटस है उसमें आपको जो स्लॉट आवंटन दिख रहा होगा, तो उस स्लॉट में निर्धारित दिनांक और निर्धारित समय को आपको वहां पर जाकर पहुंच जाना है। सबसे पहले आप वहां पहुंचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है आपका, और आपको टोकन नंबर वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं। टोकन नंबर से कई डिस्ट्रिक्ट में आपको एक लाइन से बैठा दिया जाता है, उसके बाद आपको जिस जिस प्रकार से टोकन नंबर इशू किए जाते हैं उस अकॉर्डिंग आपको जो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीम बैठी है उनके सामने आपको डॉक्यूमेंट्स के सेट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स के सेट आपने तैयार किए हैं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर उनके सामने जाकर आपको पेश हो जाना, और वहां पर फिर वो जो सर बैठे हुए जो भी आगे आप वो कंप्लीटली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं आपके साथ में जो है उनका सभी का जो है आप जो कॉपी वहां पर देने वाले हैं सेट में उन सभी से मिलान करेंगे, और साथ ही जो चेकलिस्ट मैंने आपको बता रखा है संलग्न संख्या आपको जो लिखने वाली उस अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या आपने सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है उन सबको प्रॉपर चेक करेंगे, उसमें हाँ या ना की जो टिप्पणी करनी होती है या फिर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो टिप्पणी करते हुए ओवरऑल जो सत्यापन दल की रिपोर्ट की जो टिप्पणी है लास्ट में वो उसका अंकन करते हैं। तो चेकलिस्ट कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट्स के सेट कैसे तैयार करना है, ये तो इसका एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है डीवी चेकलिस्ट वाला, उसमें सारी बातें मैंने बता रखी है। अब उसके अलावा जो कुछ जो सारी नई बातें वो सारी मैं क्लियर कर लेता हूं। तो सबसे पहले साथियों, चेकलिस्ट आपने जो भर ली उसके बाद वहां पर आपका जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होने वाली है, वहां पर जो वेरिफिकेशन की टीम जो वेरीफाई कर रही है उसमें मोस्टली आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती है, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, आपका DLED की मार्कशीट हो गई, उसका प्रॉपर आपको उसमें मिलान किया जा रहा है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, और सारी चीज़ें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर और उसका मिलान किया जा रहा है, और उसी हिसाब से फिर शाला दर्पण पर अपडेट किया जाता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेटस दिखा रहा है शाला दर्पण आईडी रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन मिलेगा वहां पर भी यस शो हो जाता है, और वो यस शो हुआ तो आपका जो ऑफलाइन डीवी की जो प्रोसेसिंग है वो सारी कंप्लीटली सॉल्व आउट हो चुकी है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ प्रोसेस अलग अलग, कहीं पर फाइलों के साथ मांगा जा रहा है, कहीं पर विदाउट फाइल मांगा जा रहा है, कई सारी प्रोसेसिंग है, लेकिन आपका जिस भी आपकी जो डीवी हो रही है वहां पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो सारी बातें मांगी जा रही है उनकी पूर्ति कीजिए, उसके बाद जो बंदा आपके सामने बैठा है और जो बात कह रहा है उसको फॉलोअप कीजिए, क्योंकि कहीं भी आप किसी से बहस नहीं कर सकते, किसी से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदे बैठे हुए हैं अलग अलग सबकी, तो उसमें कई बार थोड़ी बहुत कुछ भिन्नता देखने को मिल सकती है, कहेंगे तो क्या कह देंगे, मोस्टली कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना, वो जो कह रहे हैं उन बात को मान लीजिए उसको और शांति से तसल्ली से अपनी डीवी है उसको कंप्लीट करवा लीजिए। अब जो कंफ्यूजन इशू है जो मैंने कंप्लीट लिस्ट तैयार की उस अकॉर्डिंग आपके जितने भी जो कंफ्यूजन है वो सारे मैं कंप्लीट क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने नोट डाउन किए ताकि मैं कोई चीज भूलू ना और आपकी 1-to-1 सारे जितने पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्लियर करूं। तो सबसे पहले आपको टोकन नंबर से एंट्री हो रही है, आप सुबह जाते हैं आपको टोकन नंबर अलॉट किया जाता है, उस अकॉर्डिंग वाई एक बंदे को वहां भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट्स के सेट की मैं अगर ब्रीफली इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आपको 2 सेट तैयार करके वहां पर ले जाने और एक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने, जो जो कॉपीज लग रही है उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने। तो पहले मैं एक इशू क्लियर कर लेता हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने, आप जो 2 सेट तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका जो फॉर्म है जो आपने भरा उसके प्रिंट लगा रहे हैं, उसके बाद विस्तृत आवेदन लगा रहे हैं, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, एक सेट में आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म जो लगेगा वो ओरिजिनल लगेगा, जो आपने सील साइन करवाए थे फर्स्ट ग्रेड के उस समय अपलोड करते समय वहीं अटेस्टेशन फॉर्म आपको ओरिजिनल लगा देना है साथ में, और जो दूसरा सेट लग रहा है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म की फोटोकॉपी लग जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं फिर मार्कशीट की सारी कॉपीज लगानी है, उसके बाद 10 लग रही है, 12 लग रही है, आपकी ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, बीएसटीसी है, वो जो चेकलिस्ट का क्रम संख्या है उसी क्रम से आप सारी मार्कशीटों की फोटोकॉपीज लगाएंगे। अगर आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जैसे 12th के सर्टिफिकेट हैं उनके पीछे की सिर्फ भी स्कूल की मोहर वगैरह होती है, और पीछे अगर कोई निर्देश वगैरह लिखे हुए हैं खास, तो उनके आगे पीछे की भी फोटोकॉपी साथ में आप करवा सकते हैं, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में ये बात भी सामने आई थी कि आगे पीछे भी फोटोकॉपी मांगी जा रही है। तो आप अगर आपको मैं टाइम से बता रहा हूं तो आप आगे पीछे की फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, जो जैसे आपके जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, 12th का सर्टिफिकेट होता है, उसमें पीछे की तरफ भी विद्यालय का सत्यापन होता है, आपकी बीएसटीसी की जो डिग्री होती है, बीएड वाले
वाले भी कई जगह लगा होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो अगर आप है तो आप टाइम से उसमें आगे पीछे की फोटो कॉपी है उनको लगा सकते हैं, ताकि कोई बिल्कुल प्रकार की किसी प्रकार की 1% टेंशन नहीं चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता जिस कॉपी में एक जो जैसे आपकी मार्कशीट है वैसे आप आगे पीछे की कॉपी भी करवा सकते हैं, और जिनके पीछे टिप्पणी है उनमें अगर पीछे से आपका कागज पूरा कोरा है और कुछ विशेष नहीं दिख रहा है तो नहीं करवाएंगे तो भी चल जाएगा। और ये एक दो डिस्ट्रिक्ट में ये बातें सामने आई थी, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। तो आप इस प्रकार से उसी क्रम में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, आप खुद के अपने साइन करेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, इनकम सर्टिफिकेट आपको एक में ओरिजिनल लगा देना है, जो मेन सेट बन रहा है, और एक आपका जो कॉपी सेट बन रहा है। तो मेन सेट में आय प्रमाण पत्र लग गया, आपके दो चरित्र प्रमाण पत्र जो आप फर्स्ट ग्रेड से तैयार करवाना है उनको एक सेट में ओरिजिनल लगा देना है जो मेन सेट है, और दूसरे में आप उसकी फोटोकॉपियां लगा देंगे। तो ये तो हो गई सारी बातें, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सबके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो वहां करवाएंगे, उससे बेहतर है कि आप घर से ही उनके नीचे सेल्फ जो आपने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किए हैं उन सभी के नीचे की तरफ जो है सेल्फ अटेस्टेड आप जो है साइन कर लेंगे। तो ये तो हो गई कॉमनली बात, आप जो डॉक्यूमेंट वर्सिन की प्रोसेस करवाते हैं और वहां जाकर आपको मोस्टली देखा जाता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसमें मोस्टली देखा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका 19 जनवरी 2023 के बाद का है तो आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा, मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा रखी है, तो उस शपथ पत्र को लगाकर आप उसको वैलिड करवा सकते हैं कि मैं फॉर्म भरने की इस डेट तक मैं इसमें इस कैटेगरी में पात्र था लेकिन मेरा सर्टिफिकेट तैयार नहीं हुआ था, या फिर जो भी। अगर आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट, जैसे कोई कई सर्टिफिकेट क्या होता है एक्सपायर हो जाता है जैसे कई कैटेगरीज में, तो उन उस पुराने सर्टिफिकेट को साथ में लगा दीजिए, उसके साथ नए सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड साथ में उसी कॉपी में नथी कर सकते हैं उसी क्रमांक संख्या में। आपको उसके लिए अलग से क्रमांक संख्या इशू नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें क्रमांक संख्या एक सीधी क्रमवार ही चलेगी। चेकलिस्ट वाले वीडियो में मैंने वो सारी बातें आपको बखूबी बताई है। दूसरी बात है, अगर आपका सर्टिफिकेट मान लो ज़्यादा लास्ट डेट की बात का है तो वो शपथ पत्र लगा देना है। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनमें 3-3 साल का कुछ शिथिलन होता है, तो ईडब्ल्यूएस की जो वैधता बढ़ाने का जो शपथ पत्र है उसको आप लगा सकते हैं। साथ में अगर आपका मान लो वित्त वर्ष से पहले का जो है तो उसके भी आप शपथ पत्र लगाकर अटैच कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखी है, और भी आज भी मैं सारी बातें ब्रीफली ये क्लियर कर लाऊं। तो दस्तावेज सत्यापन दल की जो टिप्पणी है वो आपके लास्ट में अंकन हो जाएगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी धारी है उनको अलग से जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए जाति चाहिए नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जाति, बाकी ओबीसी एससी एसटी जो भी है उनको सभी को जाति प्रमाण पत्र जो लगाना होगा, और वो भी पिता के नाम से चलेगा विवाहित महिलाओं के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप पिता के नाम से भी लगा सकते हैं, पति के नाम से भी लगा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद अगर आय प्रमाण पत्र जो आपने आय मान लो जिस समय फॉर्म अप्लाई किया उस समय अगर आपने आय 2.5 लाख से कम आपने फिल की थी तो आपको उसका जो आय प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको फीस में छूट मिलेगी। वरना अगर आप नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपको जो अंतर राशि है उसका पोस्टल ऑर्डर आपको साथ में लगाकर आपको दे देना है, आपका इशू सॉल्व आउट हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र हो रहा है अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है तो आप उसको सीधा सिंपली पोस्टल ऑर्डर लगाकर कर सकते हैं। और इसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोसेस मुझे देखने को मिल रही है, कई जगह मांगे भी जा रहे हैं कई जगह नहीं भी मांगे जा रहे हैं, लेट गो चल रहा है। तो आपके वहां पर तात्कालिक परिस्थितियों में जो बातें चल रही है उस सबको फॉलोअप कर लीजिएगा, बाकी आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ज्यादा लोड लेना नहीं है। आप जो चेकलिस्ट में हेल्पलाइन जो आपका नंबर देंगे मोबाइल नंबर कुछ अगर कमी होगी, क्योंकि अभी जो 3-4 दिन आपसे एक बार डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे उसके बाद एक और टीम बैठेगी वो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स के आपने सेट दिए हैं उसको फिर वेरीफाई करेगी, तो कुछ कमी वगैरह होगी तो वो सिंपली आपको फोन करके बता देंगे और आप उस कमी को पूर्ति कर लेंगे। बाकी आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आपको कोई बिल्कुल ही हाथों हाथ निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सारे आपकी हेल्प ले बैठे हैं और वो आपको बिल्कुल ही सपोर्टिव करते हैं, बिल्कुल ही ईजी वे में प्रोसेस सारी चल रही है। उसके बाद आय चरित्र है वो आपको सिंपली लगा देने हैं, आय जो वही 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र वो लगाना है। चरित्र एक में ओरिजिनल लग जाएगा, दूसरे में आपको फोटोकॉपी लगा देनी है। अगर आपने 19 जनवरी 2023 के बाद का आपको शपथ पत्र लगाना है पुराना है तो उसको भी साथ में लगा देना है, उसमें आपको लोड नहीं लेना है। उसके बाद कहीं कहीं क्या हो रहा है फाइल कवर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहे थे कि कई जगह तो फाइल के साथ मांगा जा रहा है, किसी जगह फाइल कवर खुद ही जो जिला प्रशासन जो मतलब जो बैठी है टीम वो लगा रही है अपने हिसाब से, कई जगह सिंपली धागों से नथी किया जा रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप चाहेंगे तो आप सिंपली वहाँ साथ में लेकर जा सकते हैं फाइलें। अगर आपसे फाइलें निकलवा दी जाती है अच्छी बात है, नहीं निकलवा दी जाती उसके साथ ले लिया जाता है तो आप उनको फाइलों के साथ दे दीजिए, उसमें भी कोई लोड वाली बात नहीं है। बिल्कुल कई जगह फाइलों के साथ अटैच करके मांगा जा रहा था, जो स्प्रिंग वाली फाइल है उसमें कई जगह सिंपली धागे से भी नथी करके भी जो डॉक्यूमेंट के सेट है वो लिए जा रहे हैं। तो आपके वहां आपकी जो भी प्रोसेसिंग है उस अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में जरूरी है, ओरिजिनल आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र, और जो आपके प्रवेश जो आपने प्रवेश दिनांक जो आपने कॉलेज में प्रवेश लिया उसका सत्यापन, और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल हैं वो सारे जरूरी है। ओरिजिनल के बिना आपका 1% भी काम आगे नहीं बढ़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद है घोषणा पत्र।
बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन सी हुई। कई बार क्या हो रहा है, घोषणा पत्र कई डिस्ट्रिक्ट में एक पेज वाला मांगा जा रहा है, कई जगह अलग अलग भी लिया जा रहा है, कई जगह एक पेज वाला भी अटैच है, अलग अलग वाले भी अटैच है, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं। और मैं आपको सिंपली तरीका बताऊँ तो आप एक पेज वाला भी निकलवा सकते हैं, उसमें अटैच कर दीजिए सबसे पहला घोषणा पत्र लग रहा उस जगह पर, और बाकी जो अलग अलग वाले उसको अटैच कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो तात्कालिक परिस्थिति है उसको आप खानापूर्ति कर सकते हैं, और ये सारे कोई फॉर्मेलिटी प्रोसेसिंग है, इसमें कोई ज़्यादा इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। घोषणा पत्र के लिए आपका कहीं कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह मैंने आपको बताई दिया। स्काउट गाइड सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है, अगर फिर भी लास्ट में कई स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट में किया था तो कहीं कोई समस्या नहीं है, बाकी ऐसा लगाने जैसा कंपलसरी कुछ भी बात नहीं है। उसके बाद आपके जो है कंप्लीटली अन्य राज्य से जो बीएसटीसी बीएडधारी हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा आपको क्या किया जा रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट में तो आपको जिस कॉलेज से आपने बीएसटीसी या बीएड भी अभी लेवल टू का होने वाला है, तो अदर स्टेट से जिन्होंने भी बीएसटीसी या बीएड कर रखी है उनको उस वर्ष का एनसीटी का मान्यता पत्र है वो आपको वहां पर इनको दिखाना होगा। तो आप जो वेबसाइट है एनसीटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां जाकर आपके कॉलेज का जो अप्रूवल लेटर होता है उस अप्रूवल की जो पीडीएफ होती है, बहुत सारी पीडीएफ होती निकलती रहती है पूरे भारत में, बीएसटीसी बीएड कॉलेज को मान्यता दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो कॉलेज का मान्यता पत्र है उसको डाउनलोड कीजिए और उसको साथ में आप लगाना है अदर स्टेट वालों के लिए। और कई जगह अदर स्टेट वाले जो बीएसटीसी और बीएड अधिकारी हैं उनसे क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स के सेट एक एक्स्ट्रा लिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपकी बीएसटीसी और बीएड योग्यता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी भी ली जा रही है ताकि वो वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह कुछ भी करवाएंगे तो वो उसमें काम आ सके, तो ये सारा लिया जा रहा है। तो अदर स्टेट वालों के लिए ही आपको एनसीटी का मान्यता पत्र मांगा जा सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मांगा जा रहा, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में मांगा जा रहा है, तो जहां जहां मांगा जा रहा है उसको आपको ले जाकर पूर्ति करनी होगी। तो लेवल वन वालों की बात यही है, 17/7/2023 तक आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है उसके बाद फिर लेवल टू की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मैं भी हम मान सकते हैं कि जो 17 से जो कंप्लीटली उस वीक में आपके जो रजिस्ट्रेशन है लेवल टू के वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और लेवल टू की भी सेम वही प्रोसेसिंग है, वही सारी चेकलिस्ट भरनी है, सारी चीजें लेकर जानी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स लागू है और जो मैंने बातें बता रखी है पहले के दो वीडियोस में मैंने बताई है और आज भी मैंने जो सारी बातें बताई है वो सारी बातें आपके लिए भी लागू रहने वाली है और उसी अकॉर्डिंग डीवी की प्रोसेस हो जाएगी। सही बताऊं एक लाइन में तो डीवी का बहुत ज्यादा हवा बना रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मतलब जो घोषणा पत्र में स्थान भरना है उसके लिए भी स्टूडेंट्स कमेंट करता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखूं, मैं मेरे गांव का नाम लिखूं, जहां से घोषणा पत्र जहां से घोषणा कर रहे वो सारी चीजें लिख दो, दिनांक कौन से लिखो, जो डीवी हो रही है वो डेट लिख लो, इसके लिए इतना लोड नहीं लेना होता, बिल्कुल ही फ्री माइंड रहा करो। वहां आपको बिल्कुल ही स्टाफ पूरा कॉर्पोरेटिव है, बिल्कुल ही 10 से 15 मिनट में आपकी सारी प्रोसेसिंग हो जाती है अगर आपके सारे प्रॉपर कागज हैं बिल्कुल, और कुछ कमी भी है तो आपको टाइम मिल रहा है, मतलब आपको एक दो घंटे में कुछ खानापूर्ति कर लो, कुछ कॉपीज में आपकी कमी है, फोटोकॉपी अगर कुछ कमी है तो आप बाहर जाओ फोटोकॉपी करवा के वापस आके उसकी पूर्ति कर लो, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप एक दो दिन मतलब लेट करोगे तो एक दो दिन भी आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डीवी के कारण आपके जो नंबर आए हैं आपकी जो भर्ती में आप मतलब जॉब के इतने करीब हो तो आपको नहीं निकाला जाएगा, बिल्कुल ही फ्री माइंड रहे, सारी चीजें हैं, सारी बातों को मैंने बता रखा है, उसको निर्देशिका को पढ़ लो, उस अकॉर्डिंग फॉलो कर लो, कहीं कोई 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, आराम से डीवी कराइए, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कंप्लीटली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो वेरिफिकेशन वाली की जो ग्रुप है उनमें अधिकतम शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए ताकत बनकर रहता है। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन के सारे फॉर्मेट मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद आपको जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।